बल्दे विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरन प्रकाश ने जनसंपर्क किया और वोट मांगे। विधानसभा चुनावों को लेकर क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश ने गांव तहरा महावन सोवरवाल चौहरी नगला महापत वाली गुडेरा आदि गांवों में जनसंपर्क किया और क्षेत्रीय लोगों को आगे आने वाली 10 फरवरी को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और गांव चौहरी में क्षेत्रीय लोगों ने 5 साल में विकास कार्य नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई तो कुछ गांव में विधायक पूरन प्रकाश का गांव व्हील के प्रधान शोभा राम सारस्वत ने अपनी सरदारी के साथ चांदी का मुकुट पहनाकर जोशीला स्वागत किया। विधायक पूरन प्रकाश ने राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी बबीता देवी पर तंज कसा और उन्हें बाहरी प्रत्याशी बताया। इस दौरान भाजपा जिला पंचायत सदस्य सतपाल सिंह चौधरी भूमि विकास बैंक के चेयरमैन मनोज उपाध्याय जिला महामंत्री सोनू तोमर राम कुमार उपाध्याय अजीत प्रधान विजय सिंह प्रधान शोभा राम प्रधान गुड्डू प्रधान मोहन सिंह प्रधान मंडल अध्यक्ष राकेश बंसल मोहित अग्रवाल मंडल अध्यक्ष हरेंद्र सिंह प्रियंका उपाध्याय अनिल रावत तरुण प्रकाश आदि लोग उपस्थित रहे। अमित अग्रवाल मथुरा समाचार 24। चला बताइए इसको लेकर क्या कहेंगे? सभाओं में तो आप थे क्योंकि चुनाव आयोग की एक बंदी से बड़ी मीटिंग होने के लिए यही हमारा गांव गांव जाके जनसंपर्क चल रहा है। अब जनसंपर्क नहीं, जो आपका सैलाब आ रहा है, जो प्यार मिल रहा है, वो आशीर्वाद मिल रहा है, वो शायद आपके रिकॉर्डिंग में है। उसमें मैं क्या कहूँ, उसमें तो आप ही बोलेंगे। बहरहाल ये आप मान के चलिएगा 2022 में पहले से भी ज़्यादा 2017 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में विधायक आ रहे हैं। योगी जी की मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव चल रहा है और ये भी आप मान लीजिएगा आगामी 2022 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या पहले से कितनी जीत ऐसा लेके चल रहे हैं आप? देखिएगा जो क्षेत्र वालों का जो प्यार दुलार है, ये तो 10 तारीख को वोट पड़ जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि बलदेव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई दल नहीं है। तो 10 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे जनता से? जनता अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ के प्रयोग करे। मोदी जी योगी जी का डबल इंजन की सरकार का जो विकास है, जो विकास किया है, वो बढ़ चढ़ के बोल रहा है और बोल रहे हैं आगामी जो काम नहीं है वो भी पूरे करा जाए। देश की आज़ादी के बाद 70 साल एक तरफ रख लीजिएगा, 5 साल का कार्य हमारे योगी मोदी जी एक तरफ रख लीजिएगा, 4 गुना ज्यादा है। जबकि अभी हमें 5 साल में भी 3 महीने बाकी है। आगामी आने वाले समय में जो राम राज्य की कल्पना थी वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, विकास के हिसाब से, जो हर आदि छोटे बेटा हर जो नागरिक उसको शासन की जो योजना है उनको पहुँचाने तक, 100% उनको क्रियान्वयन तक, ये सब हमारी भारतीय जनता पार्टी की अपना एक कार्यशैली है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान को देख रही है, उत्तर प्रदेश को देख रही है। आप निश्चित मान के चलिएगा एक भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है। हमारे यहाँ से पहले 4 से 5 हमारे जनपद मथुरा से हमारे प्रत्याशी विधायक होकर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे 2022 के चुनाव को लेकर। हम तो यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चारों तरफ ही भाजपा ही भाजपा है। आने वाले समय में चारों तरफ कमल का फूल ही खिलेगा। तो इस समय देखा जाए मथुरा में 5 सीटें, 5 सीटों में लेकर कितना माने आप? हम 5 के लिए भारी बहुमत से विजयी हो। और क्या वोटरों के लिए संदेश देना चाहिए? वोटरों को यही है, जातिवादी को भूल के राष्ट्रहित में अपना वोट करें। एक सशक्त भारत का जो निर्माण होगा वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही होगा। जो हमारी जो सोच है आपसी मतभेद को भूल करके और भगवा ले रहा है। नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछना और चाहूंगा, जैसे आज सुबह से हम विधायक जी के साथ हैं, कहीं कई गांव में कहीं विरोध है, कई लोग खुश भी हैं विरोध है, उसको लेकर क्या एक परिवार में 5 बच्चे होते हैं तो माँ किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाती है, विरोध होना भी जायज है। हम आपको ये बता नहीं रहे कि हम
हमारी सरकार ने ये सब किया, हम जो नहीं कर पाए उसको आगे करेंगे, उस विरोध को भी झेल रहे हैं, उनको भी सांत्वना दे रहे हैं और आगे उनकी बात सुनेंगे और उस पर कार्य करेंगे। विधायक की जीत को लेकर के आप क्या संदेश दे रहे हैं? देखो, बलदेव विधानसभा में तो हम लोग निश्चित हैं कि हमारा ही कमल का फूल जीतेगा। क्या और भी कहीं डाउट है क्या आपको? नहीं, 5 सीटें हम भारी बहुमत से विजयी होंगे।